बच्चों खुद आए, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। कभी कुशंस रख रही हूँ, कभी इयर रिंग्स गिर रहे हैं, ये सब कुछ होता है, रियल में होता है, कोई बात नहीं। बट आई हैव टू वेयर माई इयर रिंग्स एज़ वेल अगेन, क्योंकि मैं आपके लिए तैयार होती हूँ। कितना प्यारा जोड़ा मेरा अपना है, किसी से मांग के नहीं लिया, मोस्टली मैं मांगे हुए जोड़े पहनती हूँ। आज मैंने अपना जोड़ा पहना है। क्या हाल है आपकी, कैसी तबीयत है? आई होप आई एम लुकिंग नाइस। अच्छा, किसी को बोलना ये स्टॉपर ढीला है तो बार बार गिरता रहेगा। यश को बोलना कि मुझे जो है ना स्टॉपर दे दे। अच्छा एनीवे, ठीक है, चलेगा। अच्छा हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे थैंक यू करना है, क्योंकि जब ये छुट्टियाँ आती हैं और हम घर बैठे होते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि आप कितना प्यार कर रहे हैं, आप कितना लाड कर रहे हैं, आप कितना पसंद कर रहे हैं, आप हमारा शो कितना देख रहे हैं। और मुझे कोई भी सेलिब्रिटीज़ जब फ़ोन करते हैं, मेरे कोई को स्टार्स, वो फ़ोन करके मुझे बताते हैं, मैसेज करके मुझे बोल रहे होते हैं कि फिज़ा अब जो तुम काम कर रही हो ना, ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है, और तुम जो ऑडियंस है, जो आवाम है, उनकी आवाज़ बनती हो और बड़ा अच्छा बोलती हो, और जब कोई ना कोई ऐसे नए कंटेंट लेकर आती हो जो स्पेशली स्पेसिफ़िकली होते इस हिसाब से हैं, जो आप लोगों के मसाइल के हल के लिए हों, या ऐसे इश्यूज़ जो माशी इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कोई नज़रसानी नहीं होती, जिस पर कोई नज़र डालता नहीं, जिस पर कोई बात नहीं करता। वैसे तो अभी जो पहला मेरा टॉपिक है, जो मेरा पहला सेगमेंट है नाज़रीन, वो है तो हेरासमेंट के ऊपर। मगर उससे पहले मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। औरत पे तशद्दुद आज के माशरे में भी बहुत बुरी तरह किया जा रहा है। औरत को जानवर समझा जा रहा है, बल्कि जानवर से भी बदतर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दो लोग अगर किसी रिश्ते में हैं, सपोज़ मियाँ बीवी, और आपस में एक दूसरे की नहीं बन रही, तो बीवी को जानवरों की तरह मारना, उसके ऊपर तशद्दुद करना, उसको गाली देना, नाज़ेबा अल्फाज से पुकारना उसके ख़ानदान को, उसको मुझे नहीं लगता कहीं कि ये इंसानियत है। आप लोगों की नहीं बन रही, कुछ ऐसा मसला है, तो मैं कहती हूँ छोड़ दें, चौखट बदल लें, रास्ते अलग कर लें। मगर किसी इंसानी जान को इतनी तकलीफ़ देना कोई इंसाफ नहीं है, किसी भी तरीके से, किसी भी रिश्ते में। कुछ भाई हैं वो भी अपनी बहनों को बहुत मारते, पीटते, तशद्दुद करते हैं, बहुत केसेस हैं ऐसे, कुत्ते की तरह मारते हैं अपनी बहनों को। बहुत से मैंने लोग देखे, मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, कितने पुरानी सालों की कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, पाइपों से मार रहे हैं, बल्लों से मार रहे हैं, मैंने देखी अपनी आंखों से ऐसी बहनें पिटती हुई। उनके घर अच्छे नहीं बस रहे, या फिर उनके ससुराल वाले उनको तंग कर रहे हैं, और वो वापस अगर रोती हुई आती हैं अपने घर तो भाई कुत्ते से बदतर सलूक करते हैं, मारते हैं, जानलेवा अटैक करते हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे तो बोलते हुए तकलीफ़ हो रही है। वो लोग जो लोग करते हैं अपनी बहनों के साथ ऐसा सलूक, उनको खौफ नहीं आता। वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, जानवरों की तरह मारते हैं, उनको डर नहीं लगता। ये कौन लोग हैं, ये कौन सी माएँ हैं जो ऐसे दरिंदे पैदा करती हैं, ये कौन सी माएँ हैं जो ऐसे बच्चों को इस तरह की तरबियत देती हैं कि किसी औरत को मारो, पीटो, खा जाओ। कौन माँ है ये? माओ का दर्जा तो बहुत बुलंद होता है, मुझे लगता है कि माओ को भी ना ख़ास तौर पे बेटों को तरबियत ज़रूर देनी चाहिए कि वो आगे किसी और औरत की भी इज्जत करे, किसी और औरत का भी एहतराम करे। या अल्लाह, ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। मैं तो लफ्ज़ का भी सहारा कुछ चुन रही हूँ ना, कुछ बातें ऐसे लफ्ज़ मुझसे नहीं चुने जाते, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब तो ये हाल हो गया, सोशल मीडिया देखने में बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ़ होती है यार। उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी ऐड करूंगी कि ये जो हेरासमेंट है, ये हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के साए तले हमारी कोई औरत सेफ नहीं है,
औरत हैरेसमेंट में तो मैं ये बताऊंगी, लड़के भी सेफ नहीं है। कैसा माशरा है हमारा जब हमारी आज की औरत ही महफूज नहीं है, जिसने दुनिया में कदम रखना है, आगे मुकाम हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, किसी ज़िंदगी को जन्म देना है, एक नई ज़िंदगी उसने लेकर आनी है, बच्चे पैदा करने, आगे पूरा घर बार संभालना है, गृहस्थी संभालनी है, किसी नए घर जाना है, वो किस तरह करेगी, किस मेंटल सिचुएशन के साथ करेगी? आपको पता है अगर किसी औरत के साथ या किसी लड़की या किसी बच्ची के साथ कोई हैरेसमेंट का कोई केस हो जाए, आपको क्या लगता है वो लड़की ज़िंदगी भूल जाएगी? वो बच्ची कभी भी इस तरीके का केस अपने दिमाग से नहीं भुला सकती, चाहे जितने साइकेट्रिस्ट कोई भी डॉक्टर्स उसका इलाज कर लें, मगर इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होती क्योंकि वो दिमाग में रखती है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ आपने सुने होंगे पाकिस्तान में भी, बहुत सी लड़कियों के मैंने ऐसे इंटरव्यू सुने जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे साथ हरासमेंट का केस हो चुका है, हमें हरास करने की कोशिश की। अभी भी सुनने को आता है कि स्कूल में किसी बच्ची को हरास करने की कोशिश की किसी टीचर ने, टीचर जो बाप की जगह होता है, उस्ताद बाप ये दर्जा दिया जाता है, उसके साथ ये केसेस सुनने को मिलते हैं। ठीक है, लड़कियां जो बाइक चलाना शुरू हो गई हैं, वो लोग जो अपने घर से अपनी बीवी बच्चे बहन को छोड़ कर निकलें, वो बाहर जब निकलते हैं तो बाइक पे जो लड़कियां ऑफिस जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनके पीछे पीछे बाइकें लगा देते हैं, उनको हरास करते हैं, शर्म नहीं आती? रिक्शे में अगर कोई लड़की जा रही है तो रिक्शे के पीछे बाइक लगा लेते हैं, गाड़ी लगा लेते हैं लड़की को हरास करने के लिए। ये माशरा है हमारा। ये देखें ना किस तरीके से हम इन इन पोजीशंस में रह के ऐसे सिचुएशन को डिस्कस ना करें। क्या आपको लगता है मैंने ये मॉर्निंग शो इसलिए साइन किया था कि मैं आपको यहाँ पे बहुत एंटरटेन करूँ? मैं कैसे एंटरटेन करूँ? कितनी लड़कियां तो इस बात को रिपोर्ट ही नहीं करती, कंप्लेन ही नहीं करती, डरती हैं इस वजह से भी क्योंकि हमारा जो कानून है वो प्रोटेक्शन देता ही नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा। लड़की ये डर के बैठ जाती है कि मैं किधर कानून के इधर चक्कर लगाऊंगी क्योंकि कानून ने तो मेरा साथ नहीं देना। और फैक्ट है कानून तो हमारा ज़बरदस्त किस्म से कमज़ोर तरीन है, लागर है, फाका ज़्यादा है। अच्छा हमारा कानून बनाने की कोशिश जो की, कानून है अच्छा, मगर हमारे कानून में जो रूल्स हैं ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। तो जब इम्प्लीमेंट ही नहीं किए जाते हमारे लिए तो फिर ये कानून कानून थोड़ी हुआ। कोई एक बंदा फॉलो करे एक बंदा फॉलो ना करे, इस कर ही नहीं सकता। रूल्स सख्त होने चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कानून कुछ इस तरह के भी होते हैं कि जो ये जो औरतें वो इसलिए डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि उनको मेडिकल करवाना पड़ता है, ठीक है, या उनको दौरान तफ्तीश जो है अजीब अजीब से गंदे गंदे यू नो वल्गर सवाल पूछे जाएंगे। अब पूछे जाते हैं, अजय तफ्तीशी होता है वो भी मर्द होता है, या बड़े अफसरान से बैठ के सामने कराई जाती है लड़की को, तो इस वजह से जो ख़वातीन है वो घबरा भी जाती हैं इन सिचुएशंस में। मुझे लगता है ख़वातीन जो है ना ऐसी पोजीशन पे होनी चाहिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की, जो ख़ास तौर पे औरतों को सिर्फ औरतों के मामलों के हिसाब से सिर्फ वही डील करें, कोई मर्द, कोई हवलदार, कोई इंस्पेक्टर, कोई आईजी, डीआईजी, एसपी, उनका काम ही नहीं है मर्दों का बैठ के ये लड़कियों से इस तरीके का सवाल करें या उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, बिल्कुल नहीं बनता। असल तो मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में यहाँ पर सज़ा जज़ा कानून बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा माशरा जो है हम इस चीज़ के अंदर फेल हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। देखें ना, अगर हम इस्लामी मुल्क हैं ना तो इसमें कानून बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? मुझे तो समझ ये नहीं आता कि इस्लाम ने तो कानून इतने सख्त दिए हुए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होते हुए भी अगर यही वाली हरकतें और यही सलीका और यही सब कुछ तौर तरीके होने तो फिर हम क्या कह सकते हैं? देखें ना भाई, ख़वातीन अहलकारों को इस तरह के केसेस के लिए ज़िम्मेदारी देनी चाहिए कि अगर किसी लड़की के साथ बेहुर्मती या हरासमेंट का केस हुआ है तो अगर लड़की किसी भी किस्म की इस तरह की बात आके रिपोर्ट करवाती है
अपने कॉन्फिडेंस के साथ, तो उनको पता हो कि ख्वातीन अहलकार को इंटरव्यू देना है, उनको इन्वेस्टिगेशन जो है उनको करने देनी है, वो सवाल जवाब कर सकती हैं, फिर वो आप खुल के भी बता सकेंगी। किसी मर्द को सामने बिठा के आप किसी को ये जवाब नहीं दे सकते कि वो आपसे सवाल करें, अच्छा उसने पहले दुपट्टा उतारा या क्या किया, अच्छा उसने ऐसे आपकी आस्तीन फाड़ी या खुद ब खुद फट गई थी भाई, दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। और ना मैं यहाँ पर कोई कॉमेडी जोक सुना रही हूँ। इस पर हमारे साथ बात हूँ करेंगे हम, बड़ी ज़बरदस्त लॉयर है हमारे साथ ताहिरा हबीब जी, वो हमें अभी ज्वाइन करेंगी और वही हमें सब कुछ बताएंगी कि जब किसी लड़की के साथ कोई हरासमेंट केस होता है पाकिस्तान में तो उसने कहाँ रिपोर्ट करना है, कानून क्या कहता है, पुलिस में जाना है, अदालत में जाना है, कहाँ जाना है, और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप मोबाइल के ज़रिए हरासमेंट का केस जो है वो दर्ज करा सकते हैं, और कवानीन जो है उनकी सज़ाएँ क्या हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, स्मोक के बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि आज जो पोजीशन है लाहौर में स्मोक की, आज 424 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स नाज़रीन, और आज हम फिर से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। यही चलता रहेगा, हर एक दिन बाद, हर दो दिन के बाद हम नंबर वन पे आ जाते हैं और फिर इस तरह से बैड न्यूज़ लेके मैं आपके सामने आ जाती हूँ। किसी जगह से कोई पोजीशन अगर ठीक होती है, कोई हालात ठीक होते हैं, तो ये हमारे ये जो स्मोक की हालत है वो इतनी बुरी हो जाती है। आपको पता है जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, जितने भी रोड पे ऐसे ख़तरनाक किस्म के गंदे घटिया चिंची चल रहे हैं, उनको अभी मना कर दिया गया कि शहरों में जो है वो नहीं, मगर कुछ कुछ मेन मेन जो जगह हैं वहाँ पर अभी जो है मना कर दिया कि वो एंटर नहीं हो सकते। सिर्फ जो ये फ्यूल पंप के जो बड़े टैंक्स हैं वो अंदर आ सकते हैं, कोई एम्बुलेंसेस हैं बड़ी वो अंदर आ सकती हैं, ये बसेस वगैरह को बैन कर दिया है वो नहीं आ सकती। तो इस तरह की सिचुएशन अभी हुई है नाज़रीन लाहौर में, बट लेट्स सी कि क्या सिचुएशन होती है आगे, किस तरीके से इसके ऊपर जो है काबू पाया जाएगा। और बड़ी गाड़ियों की मैं जो बात करूँ, जो ट्रक वगैरह जो है ना, वो सिर्फ वो ट्रक अभी लाहौर में ऐसे बड़े शहरों में अलाउ है जिसमें खाने वगैरह की कोई चीज़ें जो है वो आ रही हैं, और उसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उन ट्रक्स को, उन लोडेड बसेस को अलाउ किया है कि वो आ सकती हैं, और उसके अलावा मना कर दिया है कि कोई भी ऐसी जो रेगुलर बसेस जो रोड्स पे चलती थी वो, और ऐसी बड़ी वैगनारें जो हैं उनको भी मना कर दिया है। और उसमें ये भी मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो है ज़्यादातर जो इस तरह की स्मोग है ये भारत की तरफ से आ रही है, तो इस वक्त दिल्ली जो है वो भी दूसरे नंबर पर है और हम जो हैं पहले नंबर पर हैं। तो इस वक्त अगर आप रैंकिंग करें इस स्मोक की, तो सिर्फ नुकसान दे नहीं है बल्कि ख़तरनाक हद तक जो है वो करार दे दिया, और सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए नहीं है, जिसको अगर आप समझे ना कि नहीं हम तो सेंसिटिव नहीं है हम बेयर कर लेंगे, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये देखें आपको पीछे से आवाज़ आ रही है ना, स्मोक तुम्हें काहे मास्क लगा के आया करो, तुम्हें भी कोई चैन नहीं है, इतने से तुम यार कपड़े का मास्क चल जाता है, नहीं मास्क ले सकते, कपड़े का एक बार मास्क ले लो, धो लो जाके घर पर, अजीब इंसान हो तुम भी, बीमार हो जाओगे, रोज़ खांसोगे, हाल कर लोगे अपने अपने लंग्स का, सब बुरा हाल, बाइकों पे आते हैं ये लोग, इनको कोई हाल नहीं है कि अपना ख्याल रखें, कोई ख्याल नहीं है ना अपना, बताना घर पे जाके मैंने आज डांटा था, तो आप समझिए आपने भी अपना ख्याल रखना है। जो भाई ऐसे बाइकों पे निकलते हैं अगर हेलमेट नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो प्लीज़ मैं उनकी बहन समझ के आपको प्यार से भी, गुस्से से भी कह रही हूँ, सख्ती से भी कह रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, मास्क पहने, आंखों के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट चश्मे हैं किसी भी किस्म के घर पे पड़े होते हैं नॉर्मली, वरना ख़रीद लें, 100-150 के भी मिल जाते हैं, पठान लेके घूम रहा होता है उसे लें, वो चश्मे पहने, आंखें सेफ रखें, लंग्स ख़राब हो रहे हैं लोगों के, सांसें जैसे बाहर निकल के ना लें इतने स्मोक में। मैंने कल देखा, मैं DHA फेज 6 से निकल रही थी, तो वहाँ पर ऐसा कोई गाड़ियों को रेला निकला हुआ था, कोई फ्लैग्स लेके पता नहीं जैसे कोई जुलूस निकलता है, मतलब लाइन से गाड़ियाँ, ये वो, मर्द हजरात भी बच्चे भी, तो वो सारे के सारे छतों से बाहर निकले हुए थे, छोटे छोटे बच्चे तो फ्लैग पकड़ के हिला रहे। मैंने कहा यार इतनी बुरी हालत है स्मोक की,
बच्चों की छुट्टियां हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यार पार्कों में चले जाएं, आप उनकी सेहत ख़राब कर दें। घर के अंदर एक्टिविटीज़ करें। मैं रोज़ सुबह शाम इस पे शो करती हूँ, रोज़ आपको बताती हूँ, ऐसे ऐसे लोग बिठाती हूँ जो आपको आइडियाज़ देते हैं, कहानियाँ सुनाया बच्चों को, छुपन छुपाई खेलें, मगर घर के अंदर खेलें, बाहर ना जाएं, स्मोक में सांस ना लें, ये स्मोक जहरीली है, ये अच्छी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, मैं आपको बताऊँ, दिल करे तस्वीरें खोल खोल के दिखाऊं जो जो निकले हैं। सीरियसली, मैं कोई जल नहीं रही, कोई गुस्सा नहीं हो रही कि वो लेके निकले। मुझे अफसोस इस बात का है कि भाई यार सोचें, इस टाइम पे इस गंदी स्मोक में आप अपने बच्चों को ये 5 दिन की जो छुट्टियां मिली लेके घूमने निकल गए आप। यार किस किस्म से, क्या सोच है आपकी, क्या चाहते हैं? अपने लिए तो कुछ नहीं चाहते, अपने बच्चों के लिए भी नहीं चाहते। मैंने तो ये देखा है, पढ़ लिख के हमने ना सारी किताबें खदे पे लाद दी है, कोई सेंस नहीं है हमारा, हम सेंसिबल है ही कहीं से नहीं। हमें जो समझ आता है बस वो कर लेते हैं, मगर उसकी गहराई में जाके नहीं सोचते कि कितनी नुकसान वाली हरकत कर रहे हैं हम। जो हरकत कर रहे थे उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता हमारा या किसी की ज़ात का, अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, सामने वाले को भी खड्डे में फेंक देते हैं। बहुत गंदी स्मोक है, बहुत जहरीली स्मोक है। दोबारा बताने की कोशिश करूँगी, सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं, जितने भी अफराद हैं, जो आम लोग हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सब इसकी लपेट में। मेरे ड्राइवर भाई हैं, उनकी भी अम्मी का कल रात को इतनी बुरी तरीके से स्मोक की वजह से ऐसे हालत ख़राब हुई है, ऑक्सीजन में लपेट में बेचारी वो सारी रात तकलीफ़ में रही हैं। ठीक है, उससे पहले 2 दिन पहले जो मेरे ड्राइवर भाई हैं उनको छुट्टी मिली थी, उन्होंने भी कोई पता नहीं खेत कलियान में जाके कोई बिना मास्क बिना एहतियात जो है ना सैर सपाटा कर लिया, तो वो सैर सपाटा लड़ गया, उनको भी 2 दिन बीमार है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे, हम बीमार होंगे, बुज़ुर्गों को ऐसे लगती है सारी इन्फेक्शन। एक कॉल है मेरे साथ, तो उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन, क्या नाम है, क्या कहेंगी? जी मैं ये कह रही हूँ कि ये जो डॉक्टर नदिया बात कर रही हैं मियां बीवी के बारे में, जी ये घरेलू काम जो होते हैं ना, बाहर औरत जा सकती है ना काम के लिए, किसी ने अपनी दुकान लगाई हुई है, किसी ने कुछ खरीदना है, ये जो कह रही है कि बाहर जो जाती है बन सवान कर दूसरों से तल्लुकात रखती है, ऐसी तो बात नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, उनका मकसद ये हरकत नहीं था कि वो ये कहें कि बाहर जो औरतें जाती हैं बन सवर के जाती हैं, वो खुद बन सवर के जाती हैं, आपको पता है मैं भी जाती हूँ, सारी लड़कियाँ जो काम कर रही होती हैं अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, तैयार होते हैं, सुर्खी लगाते हैं, काजल लगाते हैं, कुछ पाउडर, कुछ बहुत सादे तरीके से जाती हैं, कुछ हिजाब करके जाती हैं, कुछ अपना तैयारी अपने हिसाब से, जो लाइफ स्टाइल होता है रूटीन उसके हिसाब से चली जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कहा था कि वो औरतें जो हैं वो ख़राब होती हैं या ऐसी होती हैं, उनके कहने का मतलब ये था कि आप अपने घर में अपने मियाँ के लिए नहीं सजना चाहती, वफादार औरत की उन्होंने बात की थी, अपने मियाँ के लिए नहीं सजना चाहती, अपने मियाँ के लिए नहीं संवरना चाहती। एक कॉल आई थी भाई साहब की, जिन्होंने कहा कि हमारे घर की बेगमात अगर घर पे आओ तो तैयार नहीं होती, मुंह तक नहीं धोती, साफ़ सुथरी नहीं होती, मगर जब किसी की शादी में जाना है तो बहुत अच्छा तैयार हो जाती है, और वापस जैसी आती है तो वो कहती है हमें नींद आ रही है, तो 2 मिनट हमारे सामने बैठ जाएँ तो हम उनके हुस्न की तारीफ़ कर दें। मियाँ खुद ये चाहते हैं, उनके कहने का मतलब ये था कि आप बाहर हर तरीके से जाके तैयार हो सकती हैं, सौदा लेने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, मगर अपने शौहर के लिए तैयार नहीं होती। तो उनके कहने का मतलब था कि अपने शौहरों के लिए भी तैयार हुआ करें। बस एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हरासमेंट के ऊपर। नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया था, हमारे पास ताहिरा हबीब लॉयर जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी, और वो खुलकर बताएंगी कि कानून क्या कहता है, किस तरीके से औरत जो है अपनी सेफ्टी कर सकती है, और कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन दर्ज कर सकती है, और कानून क्या कहते हैं, क्या रूल्स हैं, और किस तरीके से अगर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहता है और कोई जाना चाहता है रिपोर्ट कराने के लिए, तो वो किस तरीके से इन कानून को फॉलो करते हुए अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। अब देखिए, हरासमेंट की अगर आप बात करते हैं तो हरासमेंट सिर्फ एक बच्ची औरत या फिर क्या कहते हैं लड़कों के साथ नहीं, बल्कि ख्वाजा सरा जो हैं भाई हजरात उन सब के साथ भी होती है। तो ये हरासमेंट का शिकार तो हमारे मुल्क में बहुत से लोग हो रहे हैं, हर लोग क्या मतलब हर फर्द जो है इसका शिकार है।
तो आज इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपने इस शिकायत को जो है वो दर्ज कराएं और किस तरीके से कानून की जो मदद है वो हासिल कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद हैं ताहिरा हबीब जी, लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी, आई एम गुड। लेकिन फिज़ा, मैं ज़रा वजाहत करना चाह रही हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी अबाउट 30 ईयर्स, मैंने इन लॉज को अपने सामने प्रैक्टिस होते देखा है। मैंने ऐसे देखा है कि लोग शिकायत लेके आते हैं और फिर इन लॉज के थ्रू हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करते रहे हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे जो पहली बात करना चाहती हूँ वो ये है कि ये हरासमेंट जो है यहाँ पे सिर्फ औरतों के साथ इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा होती है, क्योंकि वल्नरेबल फैक्शन है ना सोसाइटी का, तो इनके साथ ज़्यादा होती है। लेकिन लड़कों के साथ भी, अगर आप ख़ास तौर पे जो लड़के ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, स्कूलों के हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, उनके साथ भी हरेसमेंट जो है उसका एक और लेवल है। और है। जो ख्वाजा सरा हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वो तो आपने देखा है कि उनके साथ तो हरेसमेंट से ज़्यादा वायलेंस होती है। ऐसी अच्छा, तो आप लॉयर नहीं है, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि फिर आपकी डेजिग्नेशन एग्जैक्ट क्या है? बिकॉज मुझे लॉयर लिख के दिया था तो नदीम साहब ने, अगर आप बता देती हैं मुझे कि डेजिग्नेशन क्या है, मैं उस हिसाब से फिर आपसे सवाल करूँगी, क्योंकि अगर आपको कानून का नहीं पता तो मैं कानूनी सवाल आपके साथ नहीं करूँगी। नहीं, कानून का मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस किए हैं ना, तो थ्रू आउट इन कवानीन के जरिए ही तो हमने लोगों को रिलीफ दिलवाया। लॉ पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल, लॉ सारे पढ़े हैं मैंने। यू नो द लॉ एवरीथिंग, वकालत आपने तरीके से पढ़ी है? जी, हरासमेंट के जो लॉज हैं वो मेरे सामने ही आए हैं। ये जैसे 2010 का वर्क प्लेस का लॉ था, उसकी जो उसके लिए कैंपेन हुई, जो उसके लिए सारा काम, मैं क्योंकि मैंने कुछ अपनी जो होमवर्क थी ना वो कानून के हिसाब से की थी। अब मैं इसको, नहीं नहीं, हम ऑन ईयर है, मैं कोई चीज़ झूठ सच नहीं बोलती। अच्छा, जो है मेरी दोस्ती है मेरे लोगों के साथ, तो इसलिए नदीम साहब को मैं मिलूंगी बाद में, मगर ये कि अभी जो भी बात है मैं आपके साथ इस पहलू में रखूंगी कि कानून की बात आपसे भी करूंगी, मगर मैं जो औरतों के पहलू के हवाले से बात है, ठीक है? अगर औरत को हरास किया जाए तो औरत किस तरीके से आवाज़ उठाए, औरत किस तरीके से बात करे? अब ये देखे ना, कानूनी कार्रवाई की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ से कैसे शुरू कर सकते हैं, आपके इल्म में क्या बताइएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्ची, कोई खातून हरास हो रही है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि उसके घर का कल्चर क्या है। क्या उसको ये बताया गया है बचपन से कि तुमने जो भी कोई हरासमेंट है या कोई सेक्सुअल हरासमेंट हम ले लेते हैं कि उस पर खामोश रहना है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो इसको अच्छा नहीं समझती और हमने इस पर आवाज़ नहीं उठानी। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, चूँकि मेरा एक तवील तजर्बा है ऐसी ख़वातीन के साथ मिलने का, उनसे बात करने का, उनके केसेस को डिस्कस करने और उनको फिर कानूनी मशवरे देने और उनको रिलीफ दिलवाने का, कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो तो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है कि वो शिकायत जो है अपनी रजिस्टर करवाना चाहें। थोड़ा सा चेंज ज़रूर आया है और पॉजिटिव चेंज आया है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अभी भी ये जो कल्चर है कि हमने अपने हरासमेंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना और उसके लिए आवाज़ उठानी है, ये अभी भी हमें अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों को, बेटों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो हमें उसको बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि उसको आवाज़ उठानी है और उसको अपने हक के लिए फ़ाइट करना है और फिर ऐसी मिसाल कायम करनी है कि हम जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे बच सकते। अच्छा, बहुत सी बच्चियां तो घर में डर जाती हैं कि अगर हरासमेंट के बारे में बताएंगी तो सबसे पहले तो जो बड़ी मुश्किलों से काम करने की इजाज़त मिली है, बाहर जाती हैं अगर बच्चियां काम कर रही हैं तो वो सबसे पहले तो उनको रोक लेंगे घर वाले, अब्बू गुस्से वाले, अब्बू कहेंगे नहीं बाहर नहीं जाओगी, मना किया था ना तुम्हें कि तुमने नहीं जाना। उसी तरह भाई वगैरह भी गुस्सा करेंगे, ये डर होता है। माँ के साथ तो चलो किसी किस्म की दोस्ती भी होती है, माँ को अगर बता भी देती हैं बच्चियाँ कहते, माँ कहती चुप रहना है, आगे बोलना कोई नहीं, तो यही वो हरासमेंट का शिकार होती रहती हैं इस तरह फिर बच्चियाँ आगे। जी बिल्कुल, मैंने जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के भी जो केसेस देखे हैं उसमें बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा हरासमेंट का शिकार हो रही होती हैं और अब्यूज़ का शिकार हो रही होती हैं, लेकिन उनको सबसे पहले जो परपेट्रेटर होते हैं, जो उनको हरास करने वाले हैं, उनके कुर्ब जवार के लोग ही होते हैं। इन मैनी केसेस जो है फैमिली के लोग भी होते हैं। एक कॉल तो, है रुबीना की, शामिल करेंगे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे रुबीना? आज हरासमेंट के केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी क्या कह रही हैं? आज हरासमेंट के केस के ऊपर बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं हरासमेंट के बारे में ही बात कर रही हूँ कि देखिए, आपने लॉयर बुलाई हुई है ना,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग इतना कानून बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होती, ये कम क्यों नहीं हो रही, ये तो बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये किस वजह से बढ़ रही है कि हम लोगों के कोई अमाल ऐसे हो गए हैं कि जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? कोई वाकई कोई बात, हम लोग ऐसे हो गए हैं, कोई दुनिया ऐसी हो गई है, या हम इस्लाम में यकीन ही रखना शुरू हो गए, या क्या चक्कर हो गया? रुबीना जी, कोई वाकया भी अगर शेयर करना तो प्लीज आपकी एग्जांपल जो है, कोई अगर वाकया किसी के साथ अगर गुजरा हो, कुछ हो तो आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को जरा अवेयरनेस हो। क्या कह रहे हैं? कोई वाकया अगर आप बयान करना चाहें किसी के साथ का गुजरा हो। मैंने क्या बयान करना है, बात सुनिए ना, अब हम जैसे अगर हम गली मोहल्लों में रहते हैं लोग, अब हम मतलब के गुजरते हैं या कुछ करते हैं तो लोगों की नजरें कैसी होती हैं, या कोई हमारे से टच करके गुजर जाए, या कॉलेजों में, या मतलब के जहाँ पे टीचर हो या स्टूडेंट हो या कुछ हो, कोई ना कोई वाकया बयान करता ही रहता है। कितने वाकया आपको बताऊंगी मैं, लेकिन वो कम नहीं हो रहे, ज्यादा हो रही है। हम कई बातें छुपा जाते हैं, कई मतलब के ऑनलाइन भी आ जाती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है। रुबीना जी, कोई शिकायत, अच्छा मैं ये पूछना चाहती थी रुबीना जी से कि कभी इन्होंने कोई शिकायत भी की है या कुछ नहीं, मगर वो अपना पहलू उन्होंने बयान किया बड़ा अच्छा। मैं एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगी, हमेशा विंटर्स की सर्दियों पे लोग मरी जाते हैं, आपको पता है, घूमने के लिए ज़्यादा मेन हिट पॉइंट जो है वो मरी है, क्योंकि करीब भी है, अफोर्डेबल भी पड़ता है, लोग अपने बच्चे फैमिली बेटियों को लेके जो चले जाते हैं। आपने वहाँ पर नोट किया होगा जो बाज़ार है वहाँ पर मरी का, वहाँ पे बाहर से जो लड़के आते हैं छड़े छड़े बाइकों पे सिलेंसर फाड़ के, ठीक है, वो जो बाइकों पे तीन तीन चार चार छः छः लड़के होते हैं, अब कोई फैमिली वाला जो है अपनी लड़कियाँ बच्चियाँ बहनें बेटियाँ लेके अगर वो शॉपिंग के लिए किसी दुकान के अंदर गया, ज़बरदस्ती उन लड़कों ने लेना कुछ नहीं होता, चार चार छः छः लड़के उन लड़कियों को ताड़ने के लिए तो दुकान के अंदर घुस जाते हैं, टक्करें मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैं नकाब में हूँ, ये मेरे साथ का खुद का हादसा है, मतलब हादसा है, मैं नकाब में हूँ, मैंने पूरा हिजाब लिया हुआ है, ऊपर जैकेट भी पहनी हुई है, बच्ची भी मेरे साथ है, सब कुछ है, अंदर जानबूझ के बस घुसेंगे, ये नहीं देखा लड़की कौन है, बस कद काट दे के अभी घुसेंगे, जाके टक्कर मारेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उठा उठा के एयरिंग्स कहेंगे ये चाहिए, भाई तुम्हारी बहन लगती हूँ मैं, तुम्हारी माँ लगती हूँ, तुम्हारी बेटी लगती हूँ, तुमसे चाहिए मुझे एयरिंग्स, मैं खुद नहीं खरीद सकती, या बाकी लोग नहीं खरीद सकते, तुम लोग दिलाओगे, मौत पड़ी होती है तुम लोगों को, लोगों की दुकानों के अंदर घुस के बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, हाथमपाई होती है, झगड़े होते हैं, शर्म करें। और ये जो दुकान वाले भी है ना, इनको भी चाहिए सख्ती लें, सख्ती करें कि भाई इस तरह के छड़े छड़े दुकानों के अंदर अकेले नहीं घुसेंगे, फैमिली वाले लोग घुसेंगे, लड़कियाँ घुस, और जिन दुकानों में सामान ही लड़कियों का मिल रहा उन दुकान में क्या ताल्लुक है लड़के घुस रहे हैं, ये सख्ती तो करनी पड़ेगी ना, सख्ती नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि ये माशरती रवैये हैं हमारे, ये आखिर ये लड़के जो हैं किन्हीं घरों से ही आ रहे हैं ना, उनकी माओ ने उनकी ट्रेनिंग की हुई है, उनका एक जो पीयर प्रेशर होता है, जो सोसाइटी ने उनको सिखाया है, ये सिखाया हुआ है। तो हमें दरअसल अपने ये जो माशरती रवैये हैं इनकी तब्दीली के लिए ना सिर्फ ये है कि घरों में तरबियत जो है उसमें सख्ती होनी चाहिए, उसमें जो है बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो है बाहर सोसाइटी में जितनी ख्वातीन हैं दे आर टू बी रिस्पेक्टेड द वे यू वॉन्ट योर वेमेन ऑफ योर फैमिली टू बी रिस्पेक्टेड। तो ये एक एहसास उनको घर से मिलेगा। और फिर दूसरे नंबर पर बात ये है कि जो आपने बात की कि एक कल्चर जो है शिकायत करने का, मैं समझती हूँ कि कोई 5% भी नहीं है जो विक्टम्स हैं ना, जो सर्वाइवर हैं हरेसमेंट के, उसमें से 5% हैं जो सामने आके इतनी हिम्मत हौसला रखती हैं कि वो कंप्लेंट कर सकें, क्योंकि उनको सोसाइटी में अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, और फिर मैं कहूँगी ख्याल कीजिएगा, ये मरी वाले बुरे नहीं हैं, मरी के रिहायशी लोग नहीं होते, ये बाहर से आते हैं, हमारे जैसे शहरों से जाते हैं घूमने फिरने के लिए, मगर देखें ये चीज़ें हर जगह पर, मगर हम किसी एक जगह को एक शहर को टारगेट लगा दो, भाई जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उधर के लड़के लड़के नहीं होते हैं, ये बाहर से आए हुए हम जैसे लोग जो सैर सपाटा के लिए, जिनकी मतलब बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ इस बुराई को जो है ना ख़त्म करें। जब ये माएँ देखती है ना कि बच्चे चार पांच लड़के मिलके जा रहे हैं किसी पिकनिक पॉइंट पे और कहीं घूमने फिरने के लिए, तो उनको चेक करें, उनको बोलें कि बेटा कहीं कोई लड़की मिले तो उसकी इज्जत और गैरत का ख्याल रखना है, आँख में शर्म रखनी है, माँ का काम है माँ समझा के भेजे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम बात कर रहे हैं हरासमेंट के ऊपर, और हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि जो बच्चियां हैं जो लड़के हैं वो इस हरासमेंट का शिकार होते हैं, जो ख्वाजा सरा वाले भाई हैं मेरे,
भाई हजरात हैं तो उनके साथ भी ये अटैम्प्ट होते हैं, उनके साथ भी ये केसेस होते हैं। तो मुझे पहले तो ये बता दीजिए, अगर कोई ऐप है ऐसी जहाँ पर ये कंप्लेन दर्ज कराई जा सके तो वो, ताकि जो जितने भी लोग हैं अगर उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो तो वहाँ पर वो फौरन एप्लीकेशन दर्ज कराएं। जी देखें, अब बहुत सारी एप्स भी हैं, पैनिक बटन्स भी पंजाब गवर्नमेंट ने तो सारे शहरों में लगा दिए, लोगों को पता नहीं, इसकी अवेयरनेस नहीं है कोई, इसके सबसे बड़ी बात प्रोग्राम किए ही नहीं गए। जी अब सबसे बड़ी बात यही है कि कवानीन जो हैं मल्टीपल हैं, जो हरासमेंट से लोगों को तहफ़ देते हैं, और उनमें सज़ाएँ भी मौजूद हैं और एक से ज़्यादा हैं कवानीन। अब बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम, हरासमेंट एट वर्कप्लेस का लॉ आया 2010 में और फिर उसके बाद 2022 में उसमें अमेंडमेंट हुई, उसका जो स्कोप था हरासमेंट का वो सेक्सुअल हरासमेंट से बढ़ा के उसको जो पावर इम्बैलेंस है उसके वजह से जो हरासमेंट होती है उस तक भी उसको फैला दिया गया। और जो इदारे थे, पहले तो था कि सिर्फ फैक्ट्रीज़ में ऑफिसज़ में वर्क प्लेस उसको कंसिडर किया जाता था, लेकिन बहुत बड़ा सेगमेंट सोसाइटी का स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ती हैं उनको ना सिर्फ टीचर्स से स्टाफ से हरासमेंट्स का सामना करना पड़ता है, बल्कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई कि जो, वो तो हमें पता है मगर ऐप्स कौन सी हैं। ऐप है जी, पंजाब की जो ऐप है विमेन सेफ्टी ऐप है, वो आप किसी भी ऐप स्टोर पे जाके अपने फोन में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखती हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा तो मैं पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी मोबाइल ऐप जो है पंजाब पुलिस की, डाउनलोड भी कर रही हूँ ताकि आपको बताऊँ। फिर उसके बाद पंजाब पुलिस, जी पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी मोबाइल ऐप, आप पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप लिखेंगी तो आ जाएगा। विमेन सेफ्टी नहीं आ रहा, पंजाब पुलिस विमेन पे भी नहीं आ रहा, पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप। हाँ जी आ गया ना, इसको आप मैंने अब इसमें ये कौन सा वाला है, ये पिंक वाला है ताकि मैं दिखा सकूं लोगों को। जी आप लोगों को ये दिखाइए, ये पिंक वाला है, दो तीन इस तरह की चीजें बहुत सारी, आप जो ही इस पे इसका ऑथेंटिक कौन सा वाला है, ये वाला है जो ये साइन है, पिंक वाला है या कोई और है? जी ये ऑथेंटिक है, लेकिन इसके बाद ये फर्दर आगे आपको बहुत सारी जगहों पे कनेक्ट कर देता है कि जो आपकी कंप्लेंट है ना अकॉर्डिंगली वो आपको वो क्लोज करके देख लें। आप ये आपको दिख रही है, एक क्लोज करके देख लें, ये क्लोज करें, जूम करें बेटा इसको, कोई भी जाएगा अगर ये पिंक वाली, हाँ कह रही हैं कि ये पिंक वाली ऑथेंटिक है। नहीं उसमें और कितनी है, उसमें और ये विमेन वाली जो आपने बोली है, फिर आप यही वाली आ रही है, हाँ यही है, ये पंजाब पुलिस की, इसमें वो आपको 15 से भी कनेक्ट कर देगा, वो उसको आपका जो भी कंप्लेंट है अकॉर्डिंगली वो फौरन आपका जो रिस्पांस टाइम है वो बड़ा इसका ठीक है। एक कॉल शामिल करूंगी, मेरी कोई बहन है, वो नाम नहीं बताना चाह रही, बट समथिंग इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम जी बहन। वालेकुम सलाम जी, फिजा कैसी हैं आप? मैं आपकी दुआ बेटा, क्या हुआ, क्या मसला है बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा। आप हरासमेंट से बात कर रही थी तो मैं भी आपको ये बताना चाह रही थी कि 2 मंथ हो गए हैं कोई लड़के बाइक से ऐसे मुझे तंग करते हैं जब मैं कॉलेज जाती हूँ। अच्छा, तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, खुद ही सोच रही हूँ कि कॉलेज छोड़ दो, नहीं तो घर भी बताया, उन्होंने भी कहना है ऐसे कॉलेज जाना छोड़ दो, हालांकि मैंने काम भी करती हूँ जो आपने होती हूँ, लेकिन फिर भी वो इतना तंग करते हैं, आप खुद देख रहे हैं। आप किस चीज पे जाती हैं, या पैदल जाती हैं, बस पे जाती हैं, रिक्शे पे जाती हैं, किस चीज पे, या बाइक पे? रिक्शे पे जाती हैं। अच्छा, आपको पूरे रास्ते कोई फॉलो करता है या कॉलेज के बाहर आपको तंग किया जाता है? कॉलेज के बाहर जब मैं निकलती हूँ तो वो स्टॉप तक आने तक वो लोग इसी तरह, फिर रिक्शा के पीछे भी वो ऐसे ही आ रहे होते हैं। क्या कहते हैं, क्या क्या लफ्ज क्या बोलते हैं आपको, जो डर लगता है, खौफ है आपको, लगता है ये हरासमेंट है, फॉलो भी करते हैं आपको पीछे? हाँ जी फॉलो ही करते हैं ना, रिक्शा के पीछे फॉलो कर रहे होते हैं और डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, अजीब अजीब बोल रहे होते हैं। और आप अब ये पोजीशन में के हैं कि आप कहती हैं कि मैं भले कॉलेज छोड़ दूं, मैं पढ़ाई छोड़ दूं, घर पे किसी से बात की आपने अभी तक? नहीं मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं घर में कहूँगी मुझे यही डर है कि वो लोग ये ना कह दे कि बस कॉलेज छोड़ दो, इसलिए फिर मैं किसी को बता भी नहीं सकती।
आप ही को डांटेंगे ना, कॉलेज छोड़ो, तुम्हारी गलती है, हिजाब करती है, नकाब करती है, उसके बावजूद। अच्छा, और कोई ऐसी बात आपको जो लगता है कि बहुत खौफजदा है, आपको लगता है खौफ में आपको तारी कर देती है? एक तो ये फॉलो करना, कोई आवाज़ें कसते हैं, कोई लफ्ज कहते हैं आपको, कोई नंबर शंबर फेंकते हैं, कोई गलत बात, कोई गलत लफ्ज बोलते हैं साथ? जी, वो उल्टे सीधी सी बातें बोलते हैं, तो फिर मैं डर जाती हूँ, फिर बस जाती हूँ। कितने लड़के हैं ये? कितना कोई ग्रुप बना हुआ है जो आपको इस तरह से हरास करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, दो भाई भी होते हैं। बच्चे, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि आपके कॉलेज के बाहर या आपके इर्द गिर्द कोई पैनिक बटन्स हैं जिसको आप अगर दबा दें तो फौरन पुलिस जो है रिकॉर्ड भी कर लेगी उन लड़कों की प्रेजेंस को, कैमरास लगे हुए हैं, और फिर विद इन 5 मिनट्स वो लोग पहुंच भी जाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा जो है हम इसी टॉपिक के ऊपर एलैबोरेट करेंगे। ये जो बच्ची थी, ये कॉल थी, ये आम कॉल नहीं है, किसी ने अपनी बात हमारे साथ शेयर की, हमने इसको एलैबोरेट ज़रूर करना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम हरासमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, अभी जो कॉल आई जिस कॉल में बच्ची ने ये कंप्लेन की कि मैं अपने घर पे बात करूँगी तो मुझे लगता है कि मुझे कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ दो, काम नहीं करना आगे, फिर मेरा और फ्यूचर भी है, तो मैं खुद तंग आ गई हूँ, मेरे पीछे जो है ना दो बाइक पे लड़के लग जाते हैं और मेरा कॉलेज के बाहर से निकलना घर तक मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत डरती हूँ, मुझे आवाज़ें कसते हैं, बोलते भी हैं, अजीब तरीके से घूटते भी हैं, तो सारी सी बातें, बच्ची है, डरती होगी, वो हिजाब नकाब करती है, वो प्रॉपर ढके हुए लिबास के साथ जाती है, उसके बावजूद उस लड़की को जो है हरासमेंट का शिकार किया जा रहा है। अफसोस की बात है, ये जिस तरीके से मैं कहूँगी बार बार कि हम माओ की जो है ना तरबियत होना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, कि हम माओ की तरबियत हो कि हम ये चीज़ अपने घर में अपने बच्चों को, अपने भाई बहन बेटे, अपने शौहर को भी ये समझा के भेजें कि बाहर की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर नरम लहजे से बात करनी है, कोई अगर बहुत ज़रूरी है तो किसी से गुफ्तगू करनी है, किसी पर गलत नज़र नहीं डालनी है, ठीक है, और किसी की भी बहन बेटी हो उसको अपनी गैरत समझ के उसकी गैरत की परवाह करनी है, उसकी फ़िक्र करनी है और उसके लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई इस तरीके की अटैक कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, तो आपने सबसे पहले खुद उस चीज़ को फोकस करना है। कोई भी बंदा अगर देख रहा है कि कोई लड़की को छेड़ रहा है, हरासमेंट का शिकार बना रहा है, तो दूसरा जो भी बंदा है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे गाड़ी चलाने वाला है, दूसरा बाइक वाला है, या कोई अपनी बहन को पिक करने कॉलेज आया है, तो उसको ये अटैक करना चाहिए, उन लड़कों का गलेबान पकड़ के पूछना चाहिए, हाँ जी अपनी बहन बेटियों के साथ भी ये बकवास करते हो तुम लोग, इसी तरीके की हरकत करते हो, पूछे। ये तरबियत हम माओ ने देनी है, ये नहीं करते ना हम, फिर उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं जाके दूसरी बहन बेटियों को छेड़ रहे होते हैं, उनके साथ गलत इस तरह की अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेगैरत ही तो होते हैं ये लोग, बार बार फिर मेरे मुंह से इस तरह की लफ्ज़ चीज़ें। देखिए, आपके घर में माँ बहनें हैं, अपनी शर्म को उतारे नहीं, अपनी शर्म में फ़िक्र का जो ये एक अलमिया है ना उसको लेकर आए, और एक मिनट के लिए बात ज़रूर सोचें जो आप कर रहे हैं, या आपकी अपनी बहन अपनी बेटी के आगे आएगा, आपकी जो है ना माँ के साथ भी अटैम्प्ट हो चुके होंगे, ठीक है, तो आप ये गुस्सा क्यों, अपनी माँ बहन बेटी के लिए तो बड़ा गुस्सा आएगा, तो दूसरे की माँ बहन बेटी को इस तरह से छेड़ के हरास कर रहे हैं। वो लड़की कह रही है कि मैं काम भी नहीं करूँ, मैं पढ़ाई भी छोड़ दूँ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, मैं तो घर बैठ जाऊँ, ये हाल कर दिया आप लोगों ने किसी का, ये दिमागी हालत। इस तरह से कितनी बच्चियां काम छोड़ देती हैं, और बताऊं ऑफिसेज में कितनी लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं, ऑफिसेज में भी लड़के इस तरह से हरास करते हैं, जो बड़ी पोस्ट के ऊपर ओहदेदार होते हैं, वो लड़कियों को हरासमेंट का शिकार बना रहे होते हैं, जब वो हाथ नहीं आती हैं तो भाग जाती हैं या डर जाती हैं, तो फिर उनकी पोस्टें रह जाती हैं, आगे उनकी पोजिशन रह जाती हैं, तो उन लोगों के लिए आवाज़ उठानी है जहाँ पर आपको हरास करने की कोशिश की जाए, ये बात दिमाग में रख लें। आपने मतलब चपेड़ों का, अपने ठुड्डों का, जूतियों का आपने सहारा लेना है, मुंह तोड़ देना अगर आपको कोई हैरास करने की कोशिश करना, आवाज़ निकालनी है। ये नहीं मैंने सुनना कि जब आपका किसी ने हाथ पकड़ा तो आपकी आवाज़ निकलना बंद हो गई थी, आप सुध हो गई थी, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्यों? इससे उल्टे हाथ का झंपड़ मुंह पर रसीद करें कि उसके तबाक रोशन हो जाए। ये आवाज़ निकालें, ऊंची आवाज़ में चीखें, गाली निकालें, क्यों अपने लिए आवाज नहीं उठाई? अगर आप ऊंची आवाज में चीख देंगी, थप्पड़, आप जितना शो करेंगी ना कि मैं डर रही हूं, ये सारे साले आपको और डराएंगे। आपने डरना नहीं है, हरासमेंट का शिकार नहीं होना, आप किसी से कम नहीं है, घबराना आपने नहीं है, डरना आपने नहीं है। बहुत से ऐसे जिम है, वहां पर ही जो ट्रेनर होते हैं ना,
ये ट्रेनर होते हैं ना, ये ट्रेनर बाज औकात में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। यार जितने भी मेल ट्रेनर भी हैं ना, मैं आपको बताऊं, आपको टच किए बगैर बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज है, ये स्टेप है, ये कर ले, मगर जो ट्रेनर आपको हाथ लगा रहा है तो आप दिमाग में ये बात रख लें कि उसकी नीयत खराब है। कोई ट्रेनर अगर आपको अलग कमरे में लेके जाता है ट्रेनिंग कराने के लिए, किसी ऐसी स्पेस में लेके जाता है जहां पर वो ये कह रहा है कि लोग ना देखें, मैं आपको अलग से ट्रेनिंग या स्ट्रेचेस, याद रखें वहां पर आप हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। बहुत ख्याल रखें आप अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का बहुत नजर रखें, चाहे वो जिम जा रही हैं, कहीं पर भी जा रही हैं, और घर का ऐसा माहौल रखें कि आपको ये आज़ादी हो कि आपके बच्चे और आपकी बहनें आके आपको शिकायत कर सकें, आपके अपने भाइयों को कुछ कह सकें, और भाई उठें जाके मुंह तोड़ दे जाके ऐसे गलीस लोगों का जो लड़कियों को इस तरह का शिकार बनाते। सही कह रही हूँ मैं? जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी कर रही हूँ और एक इख्तलाफ करना चाहूँगी कि आपने कहा कि वो बच्ची हिजाब में थी इसके बावजूद उसको हरेस किया गया, तो मैं ये समझती हूँ कि इससे ये एक मिसकंसेप्शन है। जो बच्ची हिजाब में उसको तो वो ज़्यादा वल्नरेबल समझते हैं, उसको वो ज़्यादा अप्रोचेबल समझते हैं। जो लड़की जो है बज़ाहिर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है उससे तो वो घबराएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बच्ची ने हिजाब पहन लिया है तो वो सेफ़ हो गई है, ये कतन ऐसा नहीं है। हमारा जो है कोई 35 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस बताता है जो कोई आवाज में हो बेचारी हिजाब में हो, हाँ। उसके पीछे ज्यादा लोग लगते हैं, वो वल्नरेबल है, उसका जीना हराम कर देते हैं। अब ये एक बात जो है, मैं यहाँ चूंकि आप मीडिया के तवासत से ये बात करना चाहूंगी कि हमारे पास लॉज जो है ना वो मल्टीपल है, ये बात नहीं है कि लॉज नहीं है। हर चीज के बारे में, अब जो 2010 का लॉ था उसको 2022 में अमेंड किया गया और उसको स्कोप जो है हरासमेंट का बढ़ा दिया गया, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं, उसमें अदरवाइज भी अगर कोई आपके ऊपर लीन कर रहा है, अगर कोई आपको ऐसा डायलॉग बोल रहा है, कोई शख्स जो है आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है अपने घूरने से ही और मुसलसल आपकी उसकी जो गेज है वो आपको फॉलो कर रही है, कोई आपको ऑफिस में फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ऑफिस से बाहर स्टॉक कर रहा है, तो ये सारा कुछ जो है वो हैरेसमेंट के उसमें आता है और आपको आपके रेड फ्लैग्स जो है। एक और बात भी मधु करेंगे क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है, मुझे लगता है हमें इसको और भी, हमारे पास इतनी कॉल्स आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी, हम शामिल नहीं कर सके। हम एक बार फिर आपको मधु करेंगे, इसको मजीद और एलैबोरेट करेंगे ताकि लोगों की अवेयरनेस हो और लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी का। और आखिर में फिर यही कहूँगी कि अपने आप को सेफ रखें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, और सेल्फ डिफेंस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, कराटे सीखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें ताकि आप चपेड़ा कराना सीख लें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन अब थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं बिकॉज़ इस ब्रेक से पहले हम हरासमेंट के ऊपर बात कर रहे थे और अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो भी एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, मगर जिन के बारे में बात करूँगी, जिनसे मैं बात करूँगी वो है नज़रुलरहमान GM लाइट्स फास्ट केबल से। LED लाइट्स के हवाले से जो गुफ्तगू है आज हम करेंगे, और बहुत कमाल शख्सियत हैं। इन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ है 1998 में टेक्सटाइल से किया था, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे सेल्स और मैनेजमेंट कॉरपोरेशनल रोल्स में इनकी लीडरशिप जो है वो पाई जाती है, बहुत अच्छी तरीके से कारकर्दगी की, इन्होंने बड़ा नाम कमाया। नज़रुलरहमान साहब जो है उन्होंने ग्लोबल मार्केटिंग में बड़े सारे एक्सलेंस अवार्ड भी हासिल किए, 2010 में भी इनको अवार्ड हासिल हुआ, उसके बाद इनको जनाब कॉर्पोरेट फाइनलिस्ट रहे, 2011 में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, फिर उसके बाद नोवा बेस्ट बिग बी अवार्ड भी 2011 और 12 में इनको मिला माशाल्लाह से, और 2012 में भी इन्होंने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो हासिल किया। कंज्यूमर हेल्थ केयर के अगर हवाले से बात करें तो 2015 का जो अवार्ड है उसके रीजनल विनर भी हैं, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय भी रहे, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें इन्होंने बहुत सारा बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए काम किया। और आज का जो ये हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है LED लाइट्स के बारे में, फास्ट केबल्स के बारे में, और वो देख भी रहे हैं। फास्ट केबल्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी?
इतना बड़ा डेजिग्नेशन है आपको. मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज लोगों के किए हैं, मैं सच्ची बताऊंगी, इतनी अच्छी पोजीशंस, इतने अच्छे अवार्ड्स, इतनी अच्छे कारकर्दगी, यू नो. अब मुझे लगता था कि इसमें से कोई भी चीज़ अगर मैं अभी भी बहुत सी चीज़ें मैं छोड़ गई होंगी, मगर इनमें से भी बहुत सी चीज़ों को अगर मिस कर देती है मेन मेन, तो मुझे लगता है कि लोगों को मैं आपको सही मुतारफ़ नहीं करा सकती थी. तो थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. ये बताइएगा कि फास्ट ग्रुप जो है LED लाइट्स बनाता है, इस प्रोडक्ट के बारे में सार्फिन का क्या रद्दोअमल है, क्या तरीका है, बताइए. थैंक यू वेरी मच जी. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. एक्चुअली फास्ट जो है केबल्स में तो 40 साल से इज बिंग 40 years नाउ एंड द लार्जेस्ट मैनुफैक्चरर एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द मार्केट लीडर इन द कंट्री. एंड इट शोज़ अ कमिटमेंट टू द क्वालिटी एंड द डेडिकेशन ऑफ यू नो द ओवरऑल मैनेजमेंट. लाइटिंग को हमने 2020 से वी स्टार्टेड ऑफ विद द रिसर्च. वी हैव डन अ डिटेल्ड R&D ऑन द लाइटिंग के पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी लाइट को हमने बनाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करना चाहिए हमें. तो वी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 years ऑन दी एक्सटेंसिव रिसर्च. और उसके बाद हमने वी स्टार्टेड ऑफ विद द रेजिडेंशियल रेंज, देन विद द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेंज. और उसके साथ साथ जो है उसकी सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी मिली, बहुत ज़्यादा मिली. पीपल रियली लाइक्ड द प्रोडक्ट. और एक आई जस्ट वुड लाइक टू हाईलाइट के फॉर द पास्ट 3 days वी हैड आर एग्जीबिशन एट आईपेक्स. इट वेंट वेरी वेल. हमने आर्किटेक्चुरल रेंज एक अनदर यू नो नेक्स्ट लेवल ऑफ द लाइटिंग दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. और उसमें हमें म्यूजियम ऑफ लाइट के नाम से हमने उसको 3 दिन किया एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स अक्रॉस ऑल आर्किटेक्ट कंसल्टेंट एंड हूएवर द विजिट आर एग्जीबिशन. एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड टू. मुख्तलिफ कैसे थी? बाकियों से मुख्तलिफ इस तरह थी कि एक तो म्यूजियम ऑफ लाइट में वी गॉट द फर्स्ट अवार्ड एज वेल. आर स्टॉल एंड आर थीम वॉज एंटायरली डिफरेंट. दूसरा ये है कि लाइट इज़ ऑल अबाउट यू नो द क्रिएटिंग द इन्हांस द एम्बियंस एंड कम्फर्ट एंड एस्थेटिक्स. और जो हमारा ये सारी आर्किटेक्चरल रेंज है ये आपको ये बताती है कि लाइट जो है उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, उसकी एस्थेटिक्स क्या होने चाहिए, लाइट की हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है. आई एम श्योर आप हर घर में लाइट इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी लाइट्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी है. मगर मैं आपके इसी सवाल के साथ मैं यही पूछूंगी कि इसकी पहचान क्या है. देखिए मार्केट में बहुत सारी गैर मियारी LED लाइट्स मौजूद हैं, वो जो गैर मियारी LED लाइट्स हैं उनके मुकाबले में अगर ये फास्ट केबल्स की जो लाइट्स हैं इसको हम कैसे मुमताज़ कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा इसकी पहचान क्या है? एक तो ये है कि जी हमने जिस तरह पहले कहा कि हमने एक बहुत एक्सटेंसिव R&D की और यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें लोगों के प्राइवेट लेबल्स भी हैं और अच्छा। कुछ नेशनल ब्रांड्स भी हैं. वी डू हैव इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल. ठीक. लेकिन उसके साथ साथ जो एक गैप हमेशा से इंडस्ट्री में रहा है वो रहा है कि आपने अपने कंज्यूमर को एजुकेट कैसे करना है. एंड दैट इज़ वेयर प्रॉब्ली वी आर द फर्स्ट कंपनी हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द कस्टमर्स. अब कस्टमर की एजुकेशन किस उस पर आती है? उसमें आता है कि आपकी लाइट के अंदर हेल्थ सेफ्टी का, फोटोबायोलॉजिकल का जो है वो क्या इम्पैक्ट है. अच्छा. हमारी जो लाइट है वो दूसरों से ये डिफरेंशिएट करती है कि वी फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. आवर ऑल लाइट्स राइट फ्रॉम द बल्ब अंटिल यू नो दी हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइट्स दे ऑल क्वालिफाई फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच इज़ फोटो बायोलॉजिकल. अच्छा. अब उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं अगर आप देखेंगे तो आपकी ये जो हेडेक होती है, आपको आँखों के मसाइल हैं, स्किन के मसाइल हैं, स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप के पैटर्न के अंदर डिस्टर्बेंस है, ये सब लाइटिंग का एक बहुत बड़ा इसके अंदर तो रोल है. कोई लाइट्स के शेड्स का भी काम होता है आपकी, जैसे कुछ ऐसी लाइट्स हैं अलग से, या जैसे कुछ कहते हैं ना वाइट लाइट्स, ब्लू लाइट्स, रेड लाइट्स, वार्म लाइट्स, इनमें से कौन सी ऐसी लाइट्स है जो आपको लगता है कि आप ऐसे पेशेंट्स के लिए बोलते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आँखों से प्रॉब्लम होती है, सर में दर्द होता है, यू नो? एक तो लाइट्स में देखिए 3 color टेम्परेचर हैं. एक वार्म लाइट होती है जिसको 3000 केल्विन कहते हैं और एक 4000 होती है जिसको न्यूट्रल वाइट कहते हैं और एक 6500 होती है जिसको डे लाइट कहते हैं. जो फोटोबायोलॉजिकल के अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि लाइट के अंदर एक ब्लू रेज होती है. अच्छा. और वो ब्लू रेज जो है उसकी एमिशन जो है एक खास
स्टैंडर्ड से ज़्यादा जब होती है विच हार्म योर यू नो योर ऑल दी पैरामीटर जिसमें स्किन है आपके आई कंफर्ट है यस okay. फिर ये है कि लाइट की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइट का प्लेसमेंट क्या है लाइट इज अ साइंस अच्छा लाइट को हम मैं भी जब आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द लाइटिंग तो हम भी घर के इलेक्ट्रिशियन को भेज दिया घर के मुलाजिम को भेज दिया कि जाएं आप लाइट खरीद के ले आए लेकिन लाइट को आप बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू द लाइटिंग जहाँ घर बनाने में दीवारों पे इतना खर्चा किया जाता है yes. तो उधर ये लाइट्स के ऊपर भी सही चॉइस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर के लिए सही लाइट चूज करें वेरी नाइस चॉइस के साथ से जो आपने लिटअप करना है ना वो बहुत जरूरी है आप यू स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ऑन योर हाउस बट व्हेन इट कम्स टू द लाइटिंग लाइट में लोग स्पेंड नहीं करते अनफॉर्चुनेटली और हमारे यहाँ वी ऑल्सो डू प्रोवाइड अ बैक सर्विस जिसको हम डिज़ाइन सर्विस कहते हैं अब डिज़ाइन सर्विस ये होती है कि हम कहते हैं कि आपकी लाइट को उसके लक्स लेवल क्या होने चाहिए जिस चीज़ को आपने लिटअप करना है कलर ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द कलर देखना है उसके लिए आपकी लाइट की प्लेसमेंट कितनी लाइट्स होनी चाहिए किस डिस्टेंस पे होनी चाहिए आपको क्या लक्स लेवल चाहिए तो वी ऑल्सो डू प्रोवाइड You know the back of back support in terms of design. Wow. अच्छा आपके ख्याल में किसी भी कंपनी के लिए ये CSR corporate social responsibility क्यों अहम है और इस सिलसिले में fast cables क्या इकदाम कर रही है प्लीज़ बताइएगा Yeah, thank you. I think this is something which it is our responsibility at the end of the day that we need to bring it back to the community. And fast is committed and this is one of the core value that you know we have to give it back to the community we have a Fatma Lateef Foundation in which we cover you know healthcare sector jahan pe health facilities hum logo ko provide karte hain csr ke andar education ke andar hum kaam kar rahe hain then community development mein kaam kar rahe hain education mein there is excellence award we also promote excellence award to the students of the engineering and technology background जिसमें लम्स है हमारे पास UET लाहौर पिशावर NET है NED है ये वो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हम एक्सीलेंस अवार्ड उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को देते हैं जो अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं तो CSR इज़ वन ऑफ द की एंड इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वी आर कैरिंग इट फास्ट नज़ीर रहमान साहब ये बताएगा कि जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो एक्सपोर्ट के जो तवाज़ुन है उसमें अगले चंद सालों को आप कैसे देखते हैं आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव बिकॉज इफ़ यू सी द GDP हैज़ बीन ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैज़ नॉट बीन वेरी प्रॉमिसिंग तो एक तो वी एक्सपेक्ट विद ऑल द न्यू गवर्नमेंट पोलिटिकल यू नो स्टेबिलिटी एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज वी सी सम डोमेस्टिक डिमांड एज वेल ऑन टॉप ऑफ इट जो ट्रांसमिशन की इम्प्रूवमेंट है ये भी इवेंचुअली जो है दैट विल ऑल्सो कम इन टू प्लेस विच ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द फ्यूचर डिमांड एंड थर्ड थिंग इज़ द ऑब्वियसली फ्रॉम एक्सपोर्ट साइड वी ऑल्सो सी अ पॉजिटिव यू नो अ रोल ऑफ अ लोकल मैनुफैक्चरर हु कैन यू नो कम अप एंड सी वॉट अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव globally and where we can you know export currently we are exporting 7-8 countries but I think just to mention you that during the in 2014-15 when we had this energy crisis jab 12 ghante ki load shedding hoti thi at that time fast has invested into its production capacity wahan pe humne ccv line ki aur us waqt jab koi bhi is position mein nahi tha and there was no vision ke yaar hame koi invest karna chahiye लेकिन उस वक्त इन्वेस्ट किया एंड लुक एट द यू नो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स हमने बहुत ग्रो किया और अल्हम्दुलिल्लाह 20% केगर हमारा ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव अचीव्ड दैट और वही हमारा विजन है कि हमने वी नीड टू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन आर यू नो वर्टिकल्स इन आर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी तो आपको आपको लगता है कि ये बड़ा अहम है कि जो लाइट की इंडस्ट्री है इसमें बरतरी बरकरार रखना yeah. उसमें मुकाबला जो है और जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसको बरकरार रखना बहुत अहम है तो इसके लिए आप मुझे ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा ये बहुत ज़रूरी है जी लाइट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो लेकिन हमने जिस तरह पहले आपको कहा कि लाइट के अंदर जो सबसे बड़ा गैप है वो एजुकेशन का है हमने लोगों को एजुकेट करना है कि एक अच्छी लाइट आप क्यों लें एक क्वालिटी लाइट में एक ऑर्डिनरी लाइट के अंदर क्या डिफरेंस है और हम बहुत क्लियर हैं इसके अंदर कि हमने एक क्वालिटी लाइट पाकिस्तान की मार्केट को देनी है नॉट ओनली इन पाकिस्तान वी आर आल्सो कमिटेड टू एक्सपोर्ट लाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इवेंचुअली व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल वी आर आल्सो लुकिंग एट कि हमने लोकल एम्प्लॉयमेंट को किस तरह जनरेट करना है लोकल कंट्री के अंदर जो लोकल हमारी कंट्रीब्यूशन है हाउ वी कैन फर्दर इन्हेंस ऑन दैट अच्छा फास्ट के अपने वजन में पायदार तरक्की है माशाल्लाह से ये बताइएगा कि आप इसे हासिल करने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं और विजन जो है उसको भी साथ एलैबोरेट कर दीजिएगा
हमारा एक्चुअली जी जो विजन है बाई 2030 वी वॉन्टेड टू बी 100 billion कंपनी और उसके लिए वी आर वेरी कमिटेड. वी हैव अ कोर वैल्यूज़ वेयर फोकस आर कस्टमर्स. हमारी सारी जो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी. हम क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बगैर आप नहीं कर सकते. रिसेंटली वी गॉट द बेसिक सर्टिफिकेशन विच इज़ फास्ट इज़ द ओनली कंपनी इन द केबल सेक्टर हु गॉट द बेसिक सर्टिफिकेशन इज़ द यूके सर्टिफिकेशन विच ऑब्वियसली आइडेंटिफाई और क्वालिफाई फॉर अस टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल मैप. और उसके साथ साथ जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर कस्टमर कोर वैल्यूज़ को हम साथ लेके चल रहे हैं. और जो हमारा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है विच ऑब्वियसली आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू आवर करंट कमर्शियल वो भी इस बात को सपोर्ट करता है कि जो ब्रांड प्रॉमिस है वी ऑलवेज डिलीवर द ब्रांड प्रॉमिस नंबर वन. नंबर टू ये है कि जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल्सो फील कि वी आर अ केयरिंग कंपनी. फास्ट इज़ अ केयरिंग ब्रांड एंड दोज आर द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स वी आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. And obviously we are committed to deliver to the local communities. We are committed to support the country when it comes to the export, when it comes to the revenue generation, and obviously whatever the new verticals that we are planning to bring in, we'll definitely support at the end of the day. And Nazrul Rahman sir, it was really nice to have you and it's nice to meet you. I wish you best of luck. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इस तरह की टेक्नोलॉजीज़, इस तरह के काम, इस तरह की चीज़ें आप हमारे मुल्क में मुतारिफ़ करा रहे हैं. और मैं एंड में नाज़रीन को ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि हम अपने घर पर बड़ा पैसा ख़र्चा करते जब हम घर बनाते हैं उसकी सीमेंट पे, उसकी ईंट पे, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट भट्टा चूज़ करते हैं जहाँ से ईंटें मंगवाएँ, टाइल पे, पेंट्स के ऊपर, शीट्स के ऊपर, किचन की कैबिनेट्स, दरवाज़ों के ऊपर, वुड के ऊपर, मगर ये जो हम लाइट्स चूज़ करते हैं इसकी भी सिलेक्शन आपकी अच्छी कंपनी की होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फास्ट लाइट्स जैसी अगर आप अपने घर में लाइट्स लगाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं. जिस तरीके की यहाँ पर हमें सिचुएशंस उन्होंने बताई हैं वो मुझे पहले नहीं पता थी कि भाई अगर आपकी आंखों को मसला है, आपके सर में दर्द है, माइग्रेन का कोई मसला है, कोई पेशेंट है ऐसा, तो उनके लिए लाइट्स बेहतर नहीं होती. जो गैर मियारी लाइट्स हम कोई भी किसी को भेज के तो उठा लेते हैं, जाके बोलते हैं भाई एक लाइट दे दो. इट्स नॉट लाइक दैट. बाय द बेस्ट लाइट्स और उसके बाद अपनी लाइफ को बेस्ट सुकून के साथ एंजॉय कीजिए. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा. प्रोफेसर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अहमद सईद साहब हमारे शो पे आते रहते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं इनको. इनका इलाज बहुत अच्छा है, बड़े नए टेक्निक से लोगों को जो है ना पेन रिलीफ में आराम करते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने बैक पेन को लेके और बहुत सीवियर आपको इश्यूज हैं तो आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, यहाँ पे मधु कर सकते हैं. मैं आपको जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी इलाज है, वो आपको कॉल पे जो है पूछवा के मैं आपको बता सकती हूँ. और हम कोशिश ये करेंगे वो सारे सवाल आपके सामने यहाँ पर करें जो इश्यूज़ आप लोगों को होते हैं, आम आवाम को होते हैं, हमें होते हैं, मुझे होते हैं. तो इस तरीके से ही हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड जी एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी इन योर शो. बहुत बहुत शुक्रिया सर. ये बताइएगा कि बैक पेन किस किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं? फिज़ा, ये अगर आप मुझसे पूछेंगी एज ए मॉलेज तो फिर मैं इसको अपने नाज़रीन के लिए इसको दो इकसाम में तकसीम करूँगा. अच्छा। एक वो एक हैं जिनको हम रोज़मर्रा हम सब जिससे मुतासर होते हैं वो बैक पेन अमूमी तौर पे जो पोस्चर से रिलेटेड है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, डिस्क है, पोस्चर है, आपके मसल्स का स्प्रेन है, इस कैटेगरी को आप मैकेनिकल बैक पेन में ले आइए. ये बैक पेन वो होता है जो अमूमी तौर पर आपको काम करने से, खड़े रहने से, चलने से, झुकने से ये ज़्यादा बढ़ रहा होता है और रेस्ट करने से ये बेहतर होता है. अच्छा, ठीक है. तो इसको हम मैकेनिकल कैरेक्टर बैक पेन कह लें. जैसे मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आपके समझे स्ट्रक्चरल कोई फ्लॉ आ गया है, जो आपके कोई मसला है जो कि तंग कर रहा है आपको, जो बैक पेन का मूजब है. अब एक दूसरी किस्म जो कि मेजर होगी वो है सोजिश वाली बैक पेन, इन्फ्लामेटरी, जिसके लिए आप रूमेटोलॉजिस्ट को ज़्यादा पूछते हैं और जिनके पास रूमेटोलॉजिस्ट के पास जिनका इलाज होता है. ये एक किस्म का आर्थराइटिस होता है जिस बैक पेन के अंदर अमूमी तौर पर पेशेंट जो है, मरीज़ जो है वो रिलेटिवली यंगर होते हैं. ये ज़्यादा यंग लोगों में होता है और ये सुबह के वक्त अकड़न के साथ होता है. इसमें उलट होता है बिल्कुल. आराम से लेटने के बाद सुबह के वक्त तकलीफ़ ज़्यादा होती है और जूँ जूँ वो उठकर चलना फिरना शुरू करते हैं वो तकलीफ़ कम हो जाती है. इसको हम इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टर कहते हैं. तो जो इन्फ्लेमेशन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं
उनके अंदर और मैकेनिकल। आप ऐसे समझ लीजिए कि 80% तो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स ही की बैक पेन होगी। अब ये 15-20% जो है ये है इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टर, इसको हमें इससे अलहदा करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम आगाही देते हैं, पेशेंट्स को भी देते हैं, पब्लिक को भी देते हैं, और फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, जो हमारा पहला इनकाउंटर जिनके साथ होता है उनको भी देते हैं, क्योंकि इस वाली सेगमेंट ऑफ बैक पेन, जिसको सोजिश वाली बैक पेन मैं कह रहा हूँ, इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टर, इसके बारे में आगाही बहुत कम है। अच्छा, ये बताइएगा क्या कमर दर्द एक एथराइटिस घंटियाँ की वजह से भी हो सकता है? जी, ये बिल्कुल उसी का आगे कॉन्टिन्यूम है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि जब इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टर है बैक पेन का, यानी तकलीफ जिस तरह मैंने बताया कि सोजिश वाली कमर दर्द है, तो ये एक आर्थराइटिस हो सकता है। ये रिलेटिवली यंगर लोगों को होगा, अमूमी तौर पर इसमें जो मुबतला लोग होते हैं उनमें तकलीफ का जो ऑनसेट है, यानी उसकी अलामत जब शुरू होती हैं तो वो 21-22 साल की उम्र में हो रही हैं, 25 में होती हैं, कुछ आदमियों में ये ज़्यादा है, पर औरतों में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अंदर वही अलामत कि सुबह उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, जो कि उठते हैं और सोकर करवट रात को लेते हुए तकलीफ़ होती है, उठ के जब चलते हैं तो उनको चलने फिरने के बाद कुछ बेहतरी होती है, अकड़ाव कम होता है। इसमें साथ जोड़ों में वर्म और सोजिश भी आता है इस कमर दर्द के साथ, जैसे घुटने सूज सकते हैं, टखने सूज सकते हैं, कुछ और पेचीदगियाँ इनके साथ इन लोगों में आ सकती हैं कभी, जिस तरह जिल्द की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आँतों के मसले हैं, आँखों में भी तकलीफ, एक यूवियाइटिस होता है। और इस मर्ज़ का नाम जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो एक आर्थराइटिस जो बैक पेन जिसमें हॉल मार्क है जिसका, वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मेरे नाज़रीन, इस बात को समझ लीजिए कि ये मर्ज़ वो है जो आप ऐसे समझ लें, जिस सबको जो बैक पेन है वो ये नहीं है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना उन सब लोगों में से, अगर 100 लोग मेरे पास आ रहे हैं तो उनमें से अगर 10 को भी अगर ये बैक पेन की वजह है, तो मुझे इसके बारे में उनसे स्पेशली इस्तफसार करना, उनसे सवालात करना, रिव्यू करना, उनको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। राइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम ये पूछेंगे जो पेन किलर्स वाली हम लेते हैं मेडिसिन, तो इसकी क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम बैक पेन के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं, बट टाइम बहुत कम है, जिसने करना है जल्दी से करिएगा कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि जो एनसेड्स वगैरह, एडविल, ब्रूफेन, पेन किलर्स हम लेते हैं, इसकी कोई पेचीदगियाँ होती हैं? फिज़ा, बिल्कुल पेचीदगियाँ हैं। अमूमी तौर पे ये ओवर द काउंटर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इवन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैदे के मसले हैं, जैसे मैदे का अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है जिसे हम बोलते हैं, और एनसेड्स की वजह से ब्लीडिंग अल्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये भी हमें जानना चाहिए कि गुर्दे की तकलीफ़ अगर पहले से मौजूद है तो वो बढ़ सकती है, और ख़ुद से ये जो एनसेड्स हैं ये गुर्दों पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं और गुर्दों के फेलियर का भी बाइस बन सकते हैं। तो ये दो पेचीदगियाँ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। अच्छा, ये जो रोज़ाना की जो आपकी मामलात है उसमें तब्दीलियाँ, ये जो आपका लाइफस्टाइल है, लाइफ सर्कल है, इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें तो क्या इसमें बेहतरी होती है? एक्सरसाइज और डाइट, इसका कोई रोल है? बिल्कुल जी फैसा, सबसे पहले इलाज तो लाइफस्टाइल ही है, जिसके अंदर सबसे पहले पोस्चर का करेक्शन है, बैठने का तरीका, आपका डेस्क कैसा है जिस पे आप काम करते हैं, आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आपके काम करने के तरीके जो हैं उसमें आप अपनी कमर का मोहतात रहते हैं, पट्ठों की वर्जिश, एक्सरसाइज, ओवरऑल एक्सरसाइजेज जो कि जैसे जिसको हम वॉक कहेंगे या रनिंग कहेंगे, ये सब चीज़ें भी हेल्प करती हैं इन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। लेकिन जब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे कमर के लिए, तो वो ख़ास वर्जिशें हैं जो फिर आपको सीखना है फिज़िकल थेरेपिस्ट से, जिसको हम कोर स्ट्रेंथनिंग कहते हैं। कोर हमारा ये जो बैक है ये हमें लेकर चल रही है, ये कोर ऑफ द बॉडी है। अगर हमारा कोर स्ट्रांग है, बैक के मसल्स अच्छे हैं, तो हमारा सारा दिन ज़्यादा काम कर सकेंगे हम, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बैक पेन होने का इम्कान भी कम होगा। और अगर आप पहले से ही बैक पेन के मरीज़ हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है जो आपको हेल्प करती है वो एक्सरसाइज है, वज़न में कमी। जो अगर करके नहीं दिखा सकती एक एक्सरसाइज, मेरी बैक पेन के लिए बहुत आसान थी, मगर मैं अभी शलवार कमीज़ के ऐसे हो लिया हूँ, मैं इसलिए बता नहीं रही, वरना बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज, मुझे भी पता है, मैं बताऊँगी। अच्छा मुझे बताइए कि जो कमर कस होती है, ये जो पंजीरी होती है, ये हमारी अम्मियाँ नानियाँ बनाती हैं, तो ये क्या मदद करती है कमर के लिए? अच्छी होती है, पेन रिलीफ होती है, कमर वाकई स्ट्रांग होती है? देखें, ये एक मिथ है, इसी तरह और भी बहुत से मिथ हैं। मेरे ख्याल में डाइट के अंदर अगर कोई चीज़ अगर आपको हेल्प करेगी तो वो हेल्दी डाइट है। जहाँ तक पिंजीरी का सवाल है, तो पिंजीरी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हाई फैट कॉन्टेंट डाइट। अगर आपका वज़न ऑप्टिमल है तो मैं कहूँगा उसमें चीनी भी ज़्यादा है, मीठा भी है और चिकनाई भी बहुत है,
फिर वजन ज़्यादा है तो फिर ज़रूर परहेज़ कीजिए और पंजीरियाँ मत लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को कमज़ोरी की वजह से भी तो कमर में दर्द होता है। मुझे याद है जब मैं बहुत लागर होती थी, पतली दुबली सूखी स्कूल टाइम पे, तो मेरी कमर में फजूल में दर्द रहता था। थोड़ा सा खाना पीना मैंने शुरू किया, मेरे अंदर जाना ही तो कमर का दर्द मेरा ठीक हुआ। ये भी बच्चों का प्रॉब्लम होता है ना। आपने एक एक्सरसाइज का जिक्र किया कि आप वो एक्सरसाइज जानती हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको वो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है। अगर आपको बैक पेन थी, देखें आप भी उन लोगों में से हुई ना, जैसे हमने कहा कि 80% तक लोगों को बैक पेन हो सकती है। तो अगर इसी स्टूडियो में बैठे हुए लोगों से मैं कहूं कि हाथ खड़ा करो बैक पेन किसको, तो मुझे लगता है तकरीबन सभी कहेंगे कि हमें कभी ना कभी जिंदगी में बैक पेन रहा है या चल रहा है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब ये लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मालिश वगैरह भी जो हम करते हैं गर्म तेल की, कलंजी का तेल डाल के, जैतून का तेल गर्म करके, तो उससे भी कमर के दर्द में थोड़ी आराम आती है या बस मसाज वगैरह से ब्लड सर्कुलेशन करने से? मसाज इज वन टेक्निक जो कि हेल्प कर सकती है शॉर्ट टर्म, लेकिन लंबे अरसे तक इसका कोई फादियत नहीं है। तो थोड़े अरसे के लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ पेन में हेल्प कर सकता। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत अच्छी आपने हमें गाइड की, रहनुमाई की हमारी। आई होप आपको समझ आया होगा। अपने कमर दर्द का जो है ज़रा ख्याल कीजिए, जो पेन किलर्स होती हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं, इससे कोई गुजारा नहीं होना वाला। अपने अच्छे माइलेज से किसी डॉक्टर से प्रोफेसर से रजू कीजिए, और अगर पुराना ये सीन हो गया तो फ़ौरन दिखाइए, क्योंकि आपकी सिर्फ कमर की बैक पेन की वजह से आपका पूरा बॉडी टेक्स्चर जो है वो ख़राब हो सकता है, पोस्चर ख़राब हो सकता है, और आपकी और भी जगह कहीं ना कहीं फजूल के दर्द निकल सकते हैं और आप बहुत आवाजारी में रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी कमर का ख्याल रखिए, और अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज का भी खास ख्याल रखिए। थैंक यू, आपसे मिलती हूँ कल। खुदा हाफिज़।